जुड़ चुके हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के गिरीश चोडानी। गिरीश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो गिरीश, ब्रॉडर मार्केट्स हम कहें या हम बाज़ार की फ़िलहाल मेन इंडिसेस देखें, ऑल टाइम हाई के बाद भी, वहाँ से नीचे आने के बाद भी एक दायरे में घूम रहा है बाज़ार, और लगातार चौथा दिन जहाँ पर हम तेज़ी देख रहे हैं, कैसे आंकते हैं आप इसको? देखिए, तेजी में तो है हम लोग, बिकॉज जो इलेक्शंस का आफ्टर प्रोसेस है, या हम आफ्टर इफेक्ट इलेक्शन का बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहा। बट आपको, हम सबको या हम दर्शकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगला जो 2 महीने है वो प्योरली प्योरली न्यूज बेस्ड है, बहुत सारे टिकर से बचा के जो इम्पैक्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप, इलेक्शन हो चुके हैं तो गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी, कौन सा डिविजन किसको मिलने वाला है, वो पैरामीटर है। हमारा खुद का IIP एक्सपोर्ट डेटा आ जाएंगे जो इसी वीक में ही आ जाएंगे, तो कहीं पे भी वो एक ट्रिगर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, USFD फेड की मीटिंग्स हैं 12 तारीख को, उसके ऊपर नजर रहेगी। तो बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करेगा, तो बहुत सारे ट्रिगर्स है बाजार के अंदर जो कहीं पे भी हमारे शायद बाजार को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाला है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक, जो मैं पिछले 2 महीने से ही बोल रहा हूँ कि अपने को स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, बाजार को देखेंगे, तो बाजार का यही उतार चढ़ाव हमको रेगुलरली बेसिस पे मिलेगा। सो सेक्टर ऑन सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक पे चलिए, बाजार का अगर पैटर्न्स पे अगर हम बात करते हैं, तो मेरे लिए निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, वो 23,150 और 23,200 का जो स्टॉप लॉस है वो मैं मेंटेन करके चलूंगा यहाँ से निफ्टी के लिए, वो क्लोजिंग बेसिस पर है। बट हाँ, अगर अपसाइड की हम बात करें तो 23,510 का जब एक हर्डल है वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक एक रेंज में ही बाजार घूमेगा। तो एक रेंज लेके चलिए 300 पॉइंट्स की उस बाजार की। आपने सुना, हमने बातचीत की है वर्ल्ड बाजार के मैनेजमेंट से, जो फिलीपींस से ऑर्डर जीता है, उसके अलावा जो इनके एक्सपेंशन को लेकर योजनाएं हैं, बताइएगा किस तरह से आपका व्यू बनता है? देखिए, ईवी जो मार्केट है वो अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8% था, 8.3% आया 2024 में, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन है कहीं पे भी एक बहुत अच्छे व्यू के साथ निकल के आएगा, बिकॉज कहीं पे भी 30% 1/3 ऑफ द सेल्स जो है ईवी सेल्स की कैटेगरी में आ जाएगी। हम पीवी सेल्स के ऊपर बात करते थे तो पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांगली निकल के आता है, कंपनी का मैनेजमेंट काफी स्ट्रांगली तरीके से काम कर रहा है। बट बिकॉज ईवी सेगमेंट्स एक अनडेवलप्ड मार्केट है, गवर्नमेंट्स जो फेम स्कीम्स हैं ये ऑलरेडी इस प्रोसेस के अंदर काफी तरीके से काम कर रही है, जीरो कार्बन हो गया है या फिर इकोसिस्टम बिल्डअप हो गया है, तो दोनों कैटेगरीज में काफी स्ट्रांगली काम हो रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी का व्यू है तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रखें, यहाँ से व्यू स्ट्रांगली ही बन के आएगा क्योंकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। अगर रेवेन्यू की भी अपार्ट पे बात करते तो 154% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है मैनेजमेंट साइड से। सो व्यू स्ट्रांगली रहेगा, 120 से लेकर 150 के बीच के टारगेट्स रहेंगे अगले 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए। बट आपका व्यू एटलीस्ट यहाँ से 2 से 2.5 साल का आना चाहिए अगर आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा बढ़ाकर रखना होगा, यही सलाह है आपकी। गिरीश, चलिए तमाम कुछ काउंटर्स जहाँ पर हम एक्शन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सबसे पहले तो IT पैक, अब बताइए इस तरह की कमजोरी में अक्रॉस द काउंटर्स क्योंकि हम देख रहे हैं, कहाँ खरीदारी का मौका बनता है? देखिए, आईटी पैक में बिकॉज जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था कि ये पूरा मंथ या फिर ये अगला पूरा एक क्वार्टर भी हमारे लिए बहुत फोकसेबल रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड आईटी का एक ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरीके से वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर मेजरली डिपेंड करता है। इनका 75-80% ऑफ द सेल्स कम फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, तो थोड़ा सा पेनिट्रेशन उस लेवल पे कहीं पे भी वीक हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन पे बात करें तो मेरे लिए जो कैंडिडेट है वो विप्रो ही आएगा। विप्रो के लिए हमने पहले भी आपके शो पे इस बारे में बात करी थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नंबर्स जरूर है, आईटी कंपनीज अभी अपने लिए ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काफी काम कर रही है एंड उसमें विप्रो भी है। इनके जो ऑर्डर प्रोसेस है और जिस तरीके का इनका कोलैबोरेशन हुआ है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, उस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकल के आता है आईटी के लिए विप्रो। तो विप्रो यहां से अटेंड करें, बट एटलीस्ट आपका व्यू मेरा वापस वही कहना है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है बट थोड़ा सा नजरिया आपको लंबा रखना पड़ेगा, तो यहां से एटलीस्ट आप एक लंबे नजरिए के साथ विप्रो में एंटर करिए तो एटलीस्ट यहाँ 20-25% का एक ग्रोथ प्रोजेक्शन हम यहाँ से देख रहे हैं 1 साल के टाइम से। राइट, गिरीश, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी दम है, फैक्ट की बात करें, नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें, मद्रास फर्टिलाइजर, RCF, सभी में हम देख रहे हैं 8-10% तक की तेज़ी है तमाम काउंटर्स में। यहाँ पर और तेज़ी भुनाने के लिए, क्योंकि एक तरह से मानसून का भी अनुमान यहाँ पर अबव नॉर्मल आता हुआ दिखाई दे रहा है, बताइएगा ज़रा क्या किया जा सकता है?
देखिए फर्टिलाइजर्स के लिए मूवमेंट काफी स्ट्रांग रहेगा क्योंकि मॉनसून का जो डेटा है एंड जिस तरीके का मॉनसून की एंट्री पॉइंट हुई है तो काफी स्ट्रांगली निकल के आता है। एंड हमने देखा था कि पिछला मॉनसून भी बहुत एक फ्लैट कैटेगरीज पे आया था, तो इस मॉनसून से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे मेरे लिए आरसीएफ एक स्ट्रांग कैंडिडेट रहेगा, फर्दरली डेवलपमेंट्स भी थे, नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी काफी काम करा था कंपनी ने, तो कहीं पे भी हम नेट प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी अप्रोक्सीमेटली कभी हम 22 से 23% की ग्रोथ देख रहे हैं उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। So, यहां से आरसीएफ जरूर लेके चलिए आप, एटलीस्ट विजन आपका वापस 6 से 7 महीने 8 महीने का एटलीस्ट होना चाहिए, तो 185 से लेकर 200 तक के एक टारगेट्स हम यहां से देख सकते हैं। पे कुछ काउंटर जैसे कि अगर हम राइजिंडा की बात करें लगभग 12.5% ऊपर है, इसके अलावा और कुछ काउंटर्स पीसीबीएल आप देखिए उसमें 5% तक की तेज़ी है, हिमाजी स्पेक में भी हम देख रहे हैं 5% तक की तेज़ी है। इन काउंटर्स में जहाँ पे हमें स्पेसिफिक तेज़ियाँ दिखाई दे रही है इनमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? देखिए प्रॉफिट बुकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम काफी बार डिस्कस करते हैं अपने शोज में, तो प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट यहाँ से करिए क्योंकि जब इस टाइप के 14-15% की तेजी दिखाई देती है और एक न्यूज ओरिएंटेड रहते हैं तो आगे जाकर इनमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है ऊपर लेवल पे, तो एटलीस्ट यहाँ से अपने पोर्टफोलियोज में 30 से 40% का प्रॉफिट बुक करें एंड उस स्टॉप लॉस को अपने जो बाइंग प्राइस है उससे 8 से 5% का रिवाइजेशन कर लें ताकि अगर बाई चांस स्टॉक नीचे भी आता है तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट में रहें। और राइट गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी के साथ समय निकाला, स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया आज आपने। हम आगे बढ़ते हैं, शपथ ग्रहण के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में अब आ गई है, आज शाम 5 बजे कैबिनेट की अहम बैठक भी है और कई अहम फैसले यहाँ से निकलने की संभावना भी है, तमाम डिटेल्स इसी को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए आज शाम पहली बैठक है मोदी गवर्नमेंट 3.0 की, अगर आप कैबिनेट की बात करते हैं 5 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैसले लिए जा सकते हैं जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। पहला तो ये कि पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया जा सकता है, जैसा कि आपको पता है कि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है जिसमें 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला की घोषणा बीजेपी ने की थी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कैबिनेट के की पहली बैठक में और पहले फैसले के तौर पर 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और अहम जानकारी मिल रही है कि पार्लियामेंट का सेशन को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है कि पार्लियामेंट का सेशन कब से होगा ताकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी हो, तो इसके लिए डेट्स जो हैं उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन उन सबके पहले जो जिसका सबको इंतज़ार है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन उसको कब जारी किया जाएगा, उसको कब रिलीज़ किया जाएगा, जिसका इंतज़ार हमको कल कल से है, कल शाम से है, अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर इसको ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन ही देर रात तक जारी कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक उसको जारी नहीं किया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक से पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से पोर्टफोलियो एलोकेशन से संबंधित जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया जाए। तो बहरहाल अभी अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो कि कैबिनेट के एजेंडे में हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। जी चलिए, इंतज़ार होगा शाम को 5 बजे की बैठक का और क्या कोई अहम फैसले यहाँ से निकल कर आ सकते हैं इस पर देखना होगा। प्रकाश आप नज़र बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस मामले में।